वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। ट्रैफिक के नए नियमों ने देश की तस्वीरों को ही बदल के रख दिया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के चलते कई वाहन चालकों ने भारी भरकम जुर्माना चुकाया है। ऐसा ही हुआ सूरत के एक ऑटो चालक के साथ, जिसे 76,000 का ई मेमो थमा दिया गया। शेख मुशर्रफ शेख रसीद नाम के इस ऑटो चालक को पुराने ट्रैफिक नियम के तहत जुर्माना देना पड़ रहा है। पिछले 8 साल से ये ऑटो चालक सूरत की सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के दिए गए इस ई मीमो ने इस ऑटो चालक की नींद उड़ा रखी है। मैं 2011 से अभी तक के रिक्शा चला रहा था जी। आज क्या रजुआत लेकर पुलिस कमिश्नर कचहरी आना हुआ? और किन मुद्दों को? मेरे को कमिश्नर कचहरी से फोन आया कि भाई आपका रिक्शा का वेरीफाई करना है, आप यहाँ पर कमिश्नर कचहरी में आके मिलो। तो मैं सर से मिला हूँ आके, तो मेरे को सर बताया गया तेरा 256 मेमो है, तो कुल रकम उसका 76,000 रुपये है। किस तरह से आपको देने में आया है और पीछे का कारण? ये मेमो इस कारण से देने में आया कि मैं आगे पैसेंजर बैठा था, उस कारण से मेमो आया कैमरे में। तो क्या रजुआत लेके आए? मैं ये रजुआत लेके आया हूँ सर, हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से भर पाएंगे? इतना तो कम आपको ये दंड जो दिया गया है वो ट्रैफिक नियमन को भंग के लेकर दिया गया है सर। भंग के लिए तो दिया हुआ तो हमको भी पता है, लेकिन सर क्या करें, यहाँ पर भाड़ा इतना 5-5 रुपए, हमको 3 पैसेंजर बैठा है तो फुड़ता नहीं है सर। इस पूरे मामले पर जब DCP से बात की गई तब उन्होंने कहा कि कानून तोड़ा है तो सजा तो होगी, और ऑटो चालक की रोजी रोटी प्रभावित ना हो इसलिए अब तक ऑटो को जब्त नहीं किया गया है। कई बार ई चलन उन वाहन चालकों ने भरा नहीं, उसकी वजह से वो ई चलन पेंडिंग है। जैसे कि इस स्पेसिफिक ऑटो चालक के केस में 2014 से इनके ई चलन पेंडिंग है, जिसकी टोटल अमाउंट 75,000 हो गई है, जो कि टोटल नंबर ऑफ ई चलन 260 के आसपास है। और ऐसे हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें लगभग 1800 जितने वाहन चालक हैं जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा ई चलन पेंडिंग है। इस मीडिया के थ्रू मैं सबको, सूरत सिटी के लोगों को विनंती करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी ई चलन अगर आपके नाम से आता है तो आप उसको तात्कालिक भरिए, ट्रैफिक के नियम का पालन कीजिए। ट्रैफिक को सही तरीके से नियमन करने में सिटी पुलिस का मदद करिए, और कोई प्रकार के नंबर प्लेट की छेड़ती या किसी भी अन्य गुनाह में ना फंसे। सर अब इस ऑटो चालक को क्या करना होगा? भरना पड़ेगा? इसके को बीच का रास्ता है नहीं, ई चलन जनरेट हुआ है, कायदा की भंग किया है उसने, कायदा की भंग के ऊपर एक एक शिक्षा के स्वरूप से ही जनरेट हुआ है, तो उनको वो ई चलन भरना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी सरकार दफ्तरी नोंद भी हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि सूरत शहर में ट्रैफिक पुलिस ने शहर की मुख्य सड़कों पर CCTV कैमरा लगवाया है, जिसमें अब तक 100 से अधिक ई चलान जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी भरपाई नहीं हुई है। सूरत से संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, गुजरात तक।